नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ऑल इंडिया मीडिया क्लब द्वारा द्वितीय विशाल तिरंगे रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मेरठ शहर के तमाम पत्रकार साथियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री एडवोकेट धर्म सिंह जी रहे, जिनका स्वागत ऑल इंडिया मीडिया क्लब के पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ओमपाल सिंह ठाकुर व उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र जी ने फूलमाला पहनाकर किया। वह मेरठ मंडल संरक्षण मनोज निर्मल व मेरठ मीडिया प्रभारी एमएस उपाध्याय जी ने प्रस्तुति पत्र देकर उनका स्वागत किया। मेरठ से मंगल सेन उपाध्याय की खास रिपोर्ट। बधाई के पात्र हैं कि इस तरह की मुहिम आपने मेरठ में चलाई, और मुझे खुशी है कि कम से कम जागरूकता का काम आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि 78वां पर्व आजादी का हम मना रहे हैं। आप मीडिया के साथी, सम्मानित साथियों, मैं तो आपसे यही विनती करता हूं कि आप मीडिया के माध्यम से जो मैंने पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में एक मुहिम चलाई है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, मेरा विषय है नशा और शिक्षा। मैं पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा फेरा पूरा देश शिक्षित हो और नशे से मुक्त हो। सम्मानित साथियों, क्योंकि आप सब जानते हैं शिक्षा ऐसी चाबी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सम्मानित साथियों, आज शिक्षा की बदौलत मैं आपके बीच में हूं, तो मेरी आप सबसे विनती है कि आप अपने मीडिया के माध्यम से जगह जगह अलग जगाएं और शिक्षा की प्रेरणा दें। आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, शिक्षा फ्री है, बस केवल प्रेरणा देने की आवश्यकता है। आप अभियान चलाएं अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने जिले में, कि हमें अपने जिले को, प्रदेश को नशे से मुक्त करना है। क्योंकि आप सब जानते हैं नशा वह जहर है, यह जिस घर में घुल जाता है उसका नाश कर देता है। सम्मानित साथियों, हमारी पूर्ण आजादी तभी होगी, तब हम अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे, जब यह हमारा देश पूरा शिक्षित होगा। क्योंकि जिस देश ने भी तरक्की करी है, जो भी देश विकसित हुआ है, वह शिक्षा के दम पे हुआ है। तो सम्मानित साथियों, मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप शिक्षा के मैसेज को पूरे देश में फैलाएं और नशा मुक्त का अभियान चलाएं, और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे जिले में जो हमारी मुहिम चल रही है कि ना तो नशा करेंगे और ना नशा करना देंगे, इसके साथ आप हमारा साथ देंगे, ऐसी मेरी विनती है। साथियों, मीडिया में बहुत शक्ति है, आप हमारे मैसेज को बहुत आगे पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से। सम्मानित साथियों, यही हमारी सच्ची आजादी होगी इस देश का, यही हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस होगा कि हम यहाँ प्रतिज्ञा करेंगे कि ना तो नशा करेंगे और ना नशा करने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप हर साल इस यात्रा को और भव्य बनाए। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया जो मीडिया क्लब है, उसके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि आज तक ऐसी पहल किसी मीडिया ने नहीं की जैसी आप लोग कर रहे हैं। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ है, और मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप इस रैली को और भव्य और सुंदर बनाने का काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। मुझे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेश आते हैं हमें दलताते हैं, जो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम भी ये
चलते रहो हल्के हल्के चलते रहो हल्के 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 हल